जय हिंद दोस्तों। और आज आ गया हूँ मैं जंगल रणथंभौर अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, और साथ में लेके आया हूँ मैं इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा का छोटा बेबी, ज़्यादा ज़्यादा 8-9-10 महीने का होगा। और मैं आ गया हूँ गैस प्लांट के पीछे फायरिंग बीट जंगल के बालाजी, बंडी के बालाजी स्थान है, और हम इधर आसपास ही छोड़ेंगे इसको। और ये मेरे मोटरसाइकिल पर लटक रहा है और हम इसको लेके चलेंगे और आपको दिखाते हैं इसकी रिलीजिंग। तरफी जा रहा एक ये रहा, विचरण कर रहे हैं, ये इनका स्थान है ये, और बड़ा ही प्यारा जीव है। दो ये जा रहे हैं, और ये अधिकांश मेरे को मिलते रहते हैं ऐसे जीव। तो दोस्तों हम आ गए हैं बहुत अच्छी जगह पर, और यहाँ दीमक की बामी है, और मैं अलग अलग स्थानों पे अलग अलग बामियों को ढूंढ के इनको छोड़ता हूँ। अब ये सुस्ता लेगा इसके अंदर और हम इसको छोड़ते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इसको छोड़ते हुए, हम इसको छोड़ देते हैं। जाओ दोस्त, जी लो अपना जीवन, और मिलेंगे फिर कभी जिंदा रहे तो। देखिए, देखो लोकेशन देख के निकल रहा है ये देखो, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। और ये इसमें चले जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये गलत दिशा जा रहा है। ओहो, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, जैसा हमने चाहा था वैसा हो गया। और ये दीमक की बामी में प्रवेश कर चुका है मेरे दोस्तों, और इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। बहुत बढ़िया, अधिकांश मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही मेरे साथ हो जाता है, और ये अच्छी बात ही है, क्योंकि जीवों को महफूज रखना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि उसको हम कहीं से रेस्क्यू किए करें और जचे जहीं छोड़ दें, ऐसा नहीं होता। क्योंकि ये घबराते ही इधर उधर भागते हैं, जिससे ये दिशा भ्रमित हो जाते हैं, तो इनका शिकार होने का पूरा चांसेस रहता है। इसलिए मैं आजकल इनको दीमक की बामी में ही छोड़ता हूँ, जिससे ये इसमें बैठ जाए और अपनी घबराहट मिटा लें, सुस्ता लें थोड़ा सा, वो उसके हिसाब बाद में ये इनके हिसाब से कहीं भी जा सकते हैं। तो दोस्तों जीवन वही जो किसी के काम आए, अपने लिए तो पूरी दुनिया जी रही है, जमाना जी रहा है। तो हम इन्हीं साफ शब्दों के साथ में आपसे फिर मिलते हैं, रूबरू होंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, और गर्व से बोलेंगे वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय जय।